जय हिंद दोस्तों। और क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो पढ़ाऊँ? नहीं, इससे पिछली जो 5 यूनिट थी उसमें तुम्हें काफ़ी कुछ पढ़ाया गया, ठीक है, और जितना एक्सपेक्टेशन था उतना काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो पढ़ा तो है ही, ठीक है, पर उससे पहले आज तुमसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। उन दोनों थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, और दोनों के आंसर खुद से ढूंढना। ऐसा ना हो जाए कि भाई साहब आप नेट में सर्च कर रहे हो, ठीक है, अबे नेट में तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, तुमने कहाँ अपना ब्रांड अप्लाई किया, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, कैन सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर? कैन सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर? मैंने पॉइंट चार्ज नहीं बोला, मैंने बोला कैन सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। पहला क्वेश्चन तो ये है, यस है तो क्यों और नो है तो वो भी क्यों, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये, और दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, लिख के लाया हूँ, देखो। दूसरा क्वेश्चन है, डज इन चार्जिंग द मास ऑफ अ बॉडी चेंज? जब हम कभी किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो क्या उसका मास चेंज होता है? जैसे मान लो मैंने मोबाइल चार्ज पर लगाया, तो क्या मेरे मोबाइल का मास चेंज हुआ? ठीक है, बताओ यार। तो आपको इन 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है, और 2 क्वेश्चन मैंने और छुपा के रखे हुए हैं, ठीक है, 2 का 3 क्वेश्चन और छुपा के रखे हुए हैं, वो है वीडियो के बाद में, ठीक है। इससे पहले जो आपकी वीडियो नंबर 3 आई थी उसमें आप लोगों ने देखा था भाई कूलम्स लॉ क्या होती है। मैंने आपको बताया था कूलम्स लॉ क्या होती है, जब कभी दो पॉइंटर आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं जिस फोर्स को कूलम्स लॉ बोलते हैं, पूरी कहानी हो गई थी, ठीक है। पर यार जिंदगी में सिर्फ 2 ही लोग थोड़े आते हैं हमारे जिंदगी में, ऐसा तो ज्यादा भी आ सकते हैं, 4, 5, 6, 7 कितने भी आ सकते हैं, किसी की भी जिंदगी में कितने भी लोग आ सकते हैं, देखिए जहाँ चटपटी जिंदगी में आते थे बहुत सारे लोग। तो सेम उसी तरीके से अगर उस टाइम पे 2 रुके हुए चार्ज थे, अगर 4 रुके हुए चार्ज हो जाए, 5 रुके हुए चार्ज हो जाए, 6 रुके हुए चार्ज हो जाए, 7 रुके हुए चार्ज हो जाए, एन रुके हुए चार्ज हो जाए, स्टेशनरी चार्ज हो जाए, तब क्या करेंगे? ठीक है, याद करो 11th में मैंने आप लोगों को एक प्रिंसिपल पढ़ाया था जिसे बोलते थे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, बिल्कुल सही, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का ही यहाँ पर यूज होने वाला है। अगर आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब यहाँ हो जाएगा, देखो ध्यान से। पर समझ आया ये पढ़ क्यों रहे? फोर्सेस डू टू मल्टीपल चार्जेस, किसी के जीवन में कितने भी लोग आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाओ, मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, ये मेरे पास एक चार्ज है Q2, ये मेरे पास एक चार्ज है Q3, ये मेरे पास एक चार्ज है Q4, ठीक है। अब यार इसके जीवन में ये लोग आए, किसी को तो आपको फिक्स मानना पड़ेगा ना, किसी व्यक्ति को तो आपको रखना पड़ेगा उस जगह पे, मतलब किसी आप किसी भी चार्ज को आपको टेस्ट चार्ज मानना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज मतलब जिस पे दुर्घटना घटी उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो मान लेते हैं हमको इस पे चेक करना है, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3। सिंपलीफिकेशन के लिए मान लेते हैं कि ये सारे ही चार्जेस पॉजिटिव चार्ज है। कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। आप बताओ रिपेल करते हैं, बोलो यार ये चार्ज इस चार्ज को इधर को रिपेल करेगा, ये इसको इधर करेगा और ये इसको इधर करेगा, ठीक है। अभी इनके डिस्टेंस मार्क नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए ये फोर्स 2 1 पे लगाई किसने? 2 ने, इसका नाम क्या हो गया? F12। ये फोर्स 4 ने लगाई किस पे? 1 पे, इसका नाम हो गया F14। और ये फोर्स 3 ने लगाई 1 पे, इसका नाम हो गया F13। आप एक बात बताओ, एक बंदा था, ठीक है, उस पे एक ने बोला उधर को जा, एक ने बोला इधर को जा, एक ने बोला इधर को जा, वो क्या करेगा? वो कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो जो उन सबका रिजल्टेंट निकलेगा, जो उन सबका नेट इफेक्ट होगा, वो तो वहीं जाएगा ना। जैसे समझो यार, जैसे एक बंदे ने ये 2 मार्कर है, एक ने बोला भाई ऊपर जाओ और एक ने बोला आगे जाओ, तो एक ने बोला आगे जाओ, एक ने बोला ऊपर जाओ, करो जरा आगे, देखो आगे ऊपर आगे ऊपर आगे ऊपर, बंदा कहाँ जा रहा है? ऐसे, इसे बोलते हैं रिजल्टेंट। ये आप लोगों ने तो बड़ा ऐसा नहीं सीखा होगा, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। तो जो इन तीनों का रिजल्टेंट होगा, मान लेते हैं वो रिजल्टेंट यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये कहलाएगी आपकी नेट फोर्स या फिर टोटल फोर्स। अभी आपने कैसे निकाली? आपने पहले इसकी फोर्स इस पे देखी, इसकी फोर्स इस पे देखी, इसकी फोर्स इस पे देखी, इसी को तो बोलते हैं सुपर पोजिशन। समझ आ गया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इट स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। समझ आ रहा है? अगर आपको एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालनी है तो आपको उस चार्ज पे लगने वाली सारी फोर्सेस, ये उन सबका वेक्टर सम चाहिए। कैसे? जैसे एफ होगा टोटल फोर्स,
पहले का वेक्टर प्लस दूसरे का वेक्टर प्लस तीसरे का वेक्टर, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन इसमें एक एजम्पशन है, एजम्पशन ये है जब आप ये प्रिंसिपल लगा रहे होंगे उस टाइम पे इनके बीच में कोई फोर्स आपको नहीं माननी, ठीक है? मतलब ये सारे चार्जेस एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे, मतलब टेकन वन एट अ टाइम। जैसे समझो, जब इसके जीवन में ये आई तो ये दोनों नहीं थे, जब इसके जीवन में ये आई तो ये दोनों नहीं थे, जब इसके जीवन में ये आई तो ये दोनों नहीं थे, मतलब एक टाइम पे एक डबल गेम नहीं, ठीक है? डबल गेम नहीं मतलब, ठीक है? टेकन वन एट अ टाइम। फिर से बोलता हूँ, समझ आ गया सुपरपोजिशन क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन द पर्टिकुलर चार्ज बाय द अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम, ठीक है? और इनके बीच की इंडिविजुअल फोर्स आपको क्या करनी पड़ेगी? नहीं माननी पड़ेगी, ठीक है? ये अजम्पशन है। समझ आया सुपर क्वेश्चन? बोलो यार, आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल यार, एक बता था उसको, बोला इधर को चल, एक उधर चल, सबका नेट चलेगा, समझ आया? बोलो, चलो। अब जरा ढंग से इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जैसे आपके आपके इसमें जो क्या दिया हुआ है, डेरिवेशन दिया हुआ है। देखो, कर देते हैं, मान लो फिर से वही पीड़ित चटपट, इस पे चार्ज Q1, ए चटपट, ये चार्ज Q3, और ये मैंने चार्ज मान लिया कोई, मान लो Q2, और ये मैंने मान लिया Q3, ठीक है? सिंपल ले रहा हूँ, बिल्कुल जो एनसीईआरटी में सेटअप दिया हुआ वही सेटअप ले रहा है, ठीक है? आप बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रेपेल, क्या करेगा भाई? रेपेल, रेपेल कर दिया, वन पे लगाई टू ने, F1 2, ठीक है? बोलो यार, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? चलिए, अब सेम इसके लिए खिसका दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और चलेगा। ये किस पे है? वन पे लगाई थ्री ने, तो F1 3, ठीक है? आप एक बात बताओ, एक लग रही इधर, एक लग रही इधर, दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच में जाएगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं इनके बीच में जाएगा, ठीक है? और मैंने मान लिया इस तरह से इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है? अब देखिए, आपको ये मैंने पहले ही सिखाया, हम इस तरफ जा रहे हैं, फोर्स इधर है, हम इस तरफ जा रहे हैं, मैंने आपको पहले सिखाया था कैसे लिखते हैं, जिस पे जा रहे हैं फाइनल पहले आएगा, इनिशियल बाद में आएगा, तो हम टू वन पे गए टू से, तो इस बार उल्टा हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, R1 2, याद करो पिछले वाला क्लास जिसमें मैंने आपको यूनिट वेक्टर कूलम्ब वेक्टर फॉर्म सिखाया था, ठीक है? इस बार क्या हुआ, हम वन पे गए थ्री से, तो ये हो जाएगा R1 3, यूनिट क्या, यूनिट क्या, क्योंकि डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? चलिए, समझ आ गया? अब सुन, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन का रेफरेंस है, हमेशा याद रखना, जब भी कभी हम दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं ऐसे, जैसे मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो हम ए से गए बी की तरफ, तो ये कहलाएगा RBA, लेकिन अगर हम इसको ओरिजिन से जोड़ते हैं ए को, तो ये कहलाएगा सिर्फ RA, क्योंकि अगला पॉइंट तो ओरिजिन है, तो RA 0 हुआ होगा, 0 मतलब ओरिजिन, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। सेम अगर मैं इस बी को जोड़ दूँ ओरिजिन से, तो ये सिर्फ कहलाएगा RB, मतलब जब हम किसी पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ते हैं तो उसमें सिर्फ वही पॉइंट आता है, उसके अलावा और आगे कुछ नहीं आता। तो अगर मैंने इसको ओरिजिन से जोड़ा है, ये मेरा ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये वाला क्या कहलाएगा, सिर्फ R1, और ये कहलाएगा R2, और ये कहलाएगा R3, समझ आ रहा है? इनकी इतनी जरूरत नहीं, मेन चीज इसी ही है, समझ आ गया आपको? बोलो यार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ये डायग्राम समझ आ रहा है? अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, इस चार्ज पे लगने वाली, इस चार्ज पे लगने वाली इसके कारण और इसके कारण जो फोर्स है उसको सम कर दो, सही बात है कि नहीं बात है? बट उससे पहले आपको फोर्स निकाल जानी चाहिए, बोलो यार, ठीक है? अकॉर्डिंग टू कौन सी लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, क्या कहती कूलम्स लॉ? पहले F12 फोर्स निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / R12 का स्क्वायर। ये कहता है कि वेक्टर सम, मतलब सुपर पोजिशन में फोर्सेस का वेक्टर सम होना चाहिए, वेक्टर सम मतलब डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है, भाई साहब थोड़ी है कि इसने से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इसने से फोर्स लगाया इधर से 15 न्यूटन, तुमने बोला 10 और 15 25 बोल दिया, गलत, इसने 10 लगाई, इसने 15 लगाई, तो 10 में से 15 नेट कितनी बची, 5 इस तरफ, तो वेक्टर सम जोड़ना जरूरी है, ऐसे नहीं कि 10 इसने लगाई 15 इसने लगाई जोड़ के 25 बोल दिया,
नहीं, उनकी डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वहां पर बोला हुआ वेक्टर सम। ठीक है, तो एक ही बात का मतलब होता है। अब इसी तरह वेक्टर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आर वन टू का क्या, पिछले कर्म सिखाया था कैसे वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली तेरे संग यारा खुश रंग, और कौन सी पढ़ती, F13 लिखिए भाई, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2, नहीं भाई नहीं, Q1 Q3 R13 का स्क्वायर और R13 का कैप, ये क्या बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस केस में सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं, इस केस में सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं, तो अप्लाइंग सुपर पोजिशन, क्या बोलेंगे उसको, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अपन क्या कर देंगे, खचाखच ऐड कर देंगे, धका धक ऐड कर देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना यार, ऐसे मत देखो खाली। ठीक है, और पढ़ लो घर में, बैठे वहां रामायण महाभारत देख रहे हैं। नेट फोर्स, टोटल फोर्स का मतलब है, ये क्या होगी, जो वन पे टू ने लगाई प्लस जो वन पे किसने लगाई, थ्री ने लगाई। बोलो यार बोलो, समझ आ गया ना। अब क्या करेंगे, वन और टू से क्या करेंगे मेरे भाई, अरे भाई वन और टू से क्या करेंगे भाई, वैल्यू पुट कर देंगे, ठोको ठोको वैल्यू ठोको, सिर्फ वैल्यू ठोको और कुछ नहीं। ठीक है, वैल्यू लगाओ, वन टू से वैल्यू लगाओ, कितनी आ गई, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2, नीचे क्या गया, R12 का स्क्वायर और R12 का कैप प्लस 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 R13 का स्क्वायर और R13 का कैप। तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मैंने लगाया सिर्फ दो चार्जेस के लिए, कितने का लगाया, दो चार्जेस के लिए। बोलो यार बोलो, कोई दिक्कत है, बोलो यार कोई परेशानी है, नहीं है, चलो ठीक है। अब जरा स्टेशनरी है दोनों चार्जेस, ये स्टेशनरी होने चाहिए। ठीक है, चलो बता दूं, बोलो यार, दो के लिए समझ आया। अब इसी डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू करते हैं, और कितने के लिए करते हैं इसको, एन के लिए, चलो बता दूं, अर्थ की परमार्थ की, देखो कितना इजी है, पता है इस कंसेप्ट को समझना बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। देखो अब देखो ध्यान से, आपको समझ आ गया, बोलो भाई। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोल दूं यहां पर, इतने दो चार्ज माने, इफ वी अज्यूम कि यहां पर एन स्टेशनरी चार्ज है, कितने आ जाए, एन, एन मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो नेट फोर्स दी जाएगी फॉर एन स्टेशनरी चार्जेस, चार्जेस को सेलेक्ट देना। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F12 प्लस F1 पे लगी 3 की प्लस F1 पे लगी 4 की डैश 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 F1 पे लगी n की। अरे भाई यहाँ पर मैंने अभी दो माने ना, आप एक यहाँ मान लो, तेरे ये लग Q4, ये लग Q5, ये लग Q6, लगा जितनी लगानी है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, F वेक्टर उठाटक वैल्यू फोड़ो यहाँ पर, 1/4 pi, चलो नॉट 1 2 है तो सिर्फ 1 2 का खेल आएगा और किसी का खेल नहीं आएगा, R12 का स्क्वायर और R12 का कैप प्लस 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 और R13 का कैप और नीचे आएगा R13 का स्क्वायर प्लस, इसको छोटा सा 10 को लिख रहा हूँ, डैश 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 1/4 pi epsilon naught Q1 Qn, देखो ना ये 2 था यहाँ पे 2 आया, ये 3 था यहाँ पे 3 आया, ये 4 था अगले 4 आएगा, यहाँ पर n था तो यहाँ पर क्या आएगा, n आएगा। सेम तरीके से यहाँ पे 3 है, 3 है तो यहाँ पर 1 जैसे 1 3 1 3, तो 1n 1n का स्क्वायर, सेम तरीके से 1 3 यहाँ पर क्या आएगा, 1n का क्या, समझ आ रहा है, बोलो यार। कॉमन देना सीखा है, कॉमन देना सीखा है ना, जो कॉमन दिख रहा है ले, कॉमन क्या कॉमन दिख रहा है, f ये सब वेक्टर है, 1/4 pi epsilon naught कॉमन ले लिया, 1 1 1 1 1 1 सब में है, Q1 भी कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया, जब ये कॉमन आ रहा है तो Q1 को ऐसे लिख लिया। ठीक है, अंदर क्या बच गया, ध्यान से देखो, यहाँ पर बचा Q2 और नीचे क्या बचा, R12 का स्क्वायर और R12 का कैप। ठीक है,
बोलो यार, यही बचाओ ना। चलो कौन फोन कर रहा है, रुक जा भाई, तैने डाल दे एरोप्लेन मोड में। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो हाँ, प्लस अब इसको लेते हैं, सब कुछ तो बाहर निकल गया, ये सब तो बाहर निकल गया, ये वाला क्या बच गया, Q3 R13 का स्क्वायर और R13 का कैप। ठीक है, डैश 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 डैश, और लास्ट में क्या आएगा, बोलो यार, बोलते रहो, देखो तुम बोल तो बोलो, तो दिक्कत हो जाती है। Qn, और नीचे क्या आएगा, R1n का स्क्वायर और R1n का कैप। ठीक है, देखो हमने मैथ में एक बड़ी सिंपल सी फॉर्म सीखी है समेशन की, किसकी सीखी है, समेशन की। अब क्योंकि हमने समेशन की फॉर्म सीखी है, तो हम इस पूरे ब्रैकेट को समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो हालांकि जिन लोगों ने सीखा हुआ तो और भी अच्छी बात है, बट जिन लोगों ने नहीं सीखा कोई बात नहीं, मिटा दूँ इसको यहाँ पर, मैं ये मिटा दूँ। चलो अब देखो समेशन की फॉर्म में कैसा लिखते हैं, देखो एफ वेक्टर, समेशन की फॉर्म में इस बंदे पे कोई चेंज नहीं आता जो कॉमन आ चुका है, Q1/4 πε पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस आ होगा, यहाँ प्लस आ होगा, प्लस 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 को इंडिकेट करता है ये डब्बा, इसका मतलब हो गया प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब इसमें जो चीज फिक्स है, जो चीज फिक्स है उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट, आप उसको कुछ नहीं मान सकते, वो आपको ऐसा कैसे मानना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार बताओ आपके पास क्या क्या अंदर है, क्यू और आर है, तो एक बार आप ऐसे लिखो क्यू, ठीक है, एक बार नीचे लिखो आर, ठीक है, और एक बार ऊपर लिखो आर। ठीक है, आपने कैप लगा दिया, ठीक है, अब देखो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी करने का मतलब वेरिएबल। यहाँ पे क्या मान लो, आई आई मान लो, एक्स मान लो, जे मान लो, के मान लो, जो मर्जी हो मान लो। ठीक है, 1x मान लो, 2x मान लो, 3x, बस ठीक है इतना ही मानो। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, नीचे क्या है, अब देखो ध्यान से, वन 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 चेंज नहीं हो रहा है तो वन रख दिया, फिर देखो 2 3 4 फिर चेंज हो रहा है, अब क्या नया वेरिएबल मानेंगे, नहीं नया नहीं मानेंगे, क्यों, देखो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 3, ये भी 3, ये भी n, ये भी n, तो ये भी i, तो ये भी i, समझ आ गया। अब जब नीचे जो ये वैल्यू है वही तो ये है, देखो तो अगर ये वन आई है तो ये भी क्या होगा, वन आई, समझ आ गया। ठीक है, बोलो यार, तो इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसको एक लिखने का तरीका और है, मैंने आपको सिखाया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन मॉड लिख सकते हैं, तो अगर ये वन आई का है तो ये वन आई हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, वन आई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर और मॉड की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू Q1/4 πε0 समेशन Qi, तो तोड़ोगे ऊपर आएगा वेक्टर और नीचे क्या आएगा, मॉड, मॉड इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा, आर उनका क्यूब, ये भी फॉर्म है, समझ आ गया। बोलो यार, आपको समझ आया, तो यही वो प्रिंसिपल है जो किस पर लगता है, ट्रायंगल के 3 कोनों पे चार्ज रख दिए, उस स्क्वायर के कोनों पे चार्ज रख दिए, यही सारे प्रिंसिपल वहाँ पे लगते हैं। बोलो यार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ आ रहा है बिल्कुल, कोई परेशानी तो नहीं, सब कुछ पढ़ाया हुआ है यार, बोलो। ठीक है, चलो ठीक है, इनको बोलते हैं जो अंदर आते हैं डब्बे के, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जो बाहर निकलता है ना इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, उस पर दुर्घटना घटी है, ये चटपट है और ये उसकी जिंदगी में आने वाले लोग हैं। ठीक है, जो अंदर बंद हो चुके हैं, ठीक है, चटपट ने अंदर बंद कर दिया है अभी अपने माया जाल में, चटपट की माया जाल जो है बड़ी खतरनाक। बहुत बेसिक यार, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है आपको सबसे पहले जो एनसीईआरटी के बेसिक्स हैं उनको समझना पड़ेगा, जब तक आप एनसीईआरटी के बेसिक्स नहीं समझोगे काम नहीं चलने वाला, उसके बाद चाहे कोई भी बुक लगाओ, या डीसी पांडे लगाओ, एस सी वर्मा लगाओ, लगाओ जो मर्जी बुक लगाने लगाओ। ठीक है, पहले कंसेप्ट सीखना जरूरी है, ठीक है, और वो बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल कहाँ से, 0 लेवल। ठीक है, कि आप क्यों पढ़ रहे हो किसी चीज़ को, मैंने आपको बताया भाई फोर्स इंटू मल्टीपल चार्ज है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्यों आपके पास क्यों क्यों का जवाब होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपके पास क्यों का जवाब नहीं होगा ना, खाली बस रट्टा फेली मार गया और बोर्ड में नंबर ला के बैठे जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है, चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
ठीक है, समझने की कोशिश करना। एनजाइटी का क्वेश्चन मेरे ख्याल से 1.6 है, 1.7 है, इसको तो मेरे को याद नहीं है। ठीक है, याद होगा अभी तो बोलूँगा नहीं। उसके तीन कोनों पे तीन चार्ज रखे हैं, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, इन सबकी वैल्यू क्यू थी। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड एल, ये साइड एल और ये साइड एल। ठीक है, हमें बोला कि इसके सेंट्रॉइड पे, इसके कहाँ सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड ऊपर से 2:1 पे काटता है, बेसिक नॉलेज बता दूँ, इसका सेंट्रॉइड है। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो ए, इस पॉइंट को मान लो बी, इसको मान लो सी और सेंट्रॉइड को मान लो थोड़ी देर के लिए ओ। इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू, कितना रख दिया कैपिटल क्यू। ठीक है, और बोला कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीन चार्ज क्यू है, सेंटर का दबाव बड़ा क्यू, और बोला ये बताओ ये बड़ा क्यू किधर को जाएगा, किधर को मतलब उस पर फोर्स किधर लगेगी सारी की सारी। ठीक है, अब भाई जितना तुम पे ज्ञान है उस हिसाब तुमने एक ही चीज सीखी है, कूलम्स लॉ। ठीक है, हमेशा याद रखना, अभी तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का सब कुछ पढ़ लिया बेसिक चीज़ें, कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यही दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक को गवर्न करते हैं, सब कुछ इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, किस पे, कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हमेशा याद रखना। ठीक है, पढ़ो एनजीआरटी मिल जाएगी लाइन। ठीक है, पढ़ा करो बुक, मतलब चार्टर तो मत करो, ढंग से पढ़ा करो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप उन लाइन को जोड़िए, जैसे मान लो मेरे को इस पे इसकी फोर्स निकालनी है तो मैंने ये लाइन जोड़ दी। ठीक है, मेरे को इस पे इसकी फोर्स निकालनी है, मैंने ये लाइन जोड़ दी, मेरे पे इसको इसकी फोर्स निकालनी है, मैंने लाइन जोड़ दी, इनसे कोई मतलब नहीं है। सुपरपोजिशन क्या कहता है, हमें इस पे चेक करना है टेस्ट चार्ज है, तो आपको इस पे सारी फोर्स निकालनी है, और ये बोला हुआ है कि ये जो चार्ज है इसका साइन सेम है जो इनका, अगर आप इसको नेगेटिव मान रहे हो इसको भी नेगेटिव मानो, इसको पॉजिटिव मान रहे हो तो इसको भी पॉजिटिव मानो। ठीक है, चलिए सुपरपोजिशन में आपको सबको पता है कि सब नेटवर्क का समय। ठीक है, उस सब पे जाने से पहले आपको बड़ी बिजी जगह, चलो एक बात बताओ, सोचने वाली बात है। ठीक है, ये बंदा पॉजिटिव है, ये बंदा इसे रेपेल करेगा, इस पॉजिटिव को बोलो यहाँ, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा रेपेल, कहाँ करेगा नीचे की तरफ, तो इस फोर्स का नाम क्या आ गया एफ ए, एक ना लगाई। ठीक है, ये बंदा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है रेपेल करेगा, इसका नाम क्या आ गया एफ बी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है रेपेल करेगा, इसका नाम क्या आ गया एफ सी, आ गया तीन फोर्स आ गई, इसके अलावा तो आगे फोर्स नहीं है। अब जो इन तीनों फोर्स का नेट आएगा, क्या आएगा नेट आएगा, वही क्या होगा बोलो यार, वही क्या होगा हमारा नेट फोर्स होगा। ठीक है, अब देखो इसे करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बताता हूँ क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे, नीचे जाता हूँ पूरा, कुछ लोग इस साइड को डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे, इसको इसको इसको, और वो कर भी सकते, गलत नहीं है, ये पूरी पूरी एल है। ठीक है, ये एंगल पूरा का पूरा 60 डिग्री है, पूरा 60, तो एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और वैसे पूरे को 60 मान लो, ये इस पूरे एंगल, ये जो पूरा बाहर वाला एंगल है, सॉरी जो पूरा बाहर वाला एंगल है मैंने बनाया, ये 60 डिग्री है, इस 60 डिग्री की हेल्प से, एल की हेल्प से वो वाली साइड निकाल लेंगे रेड वाले। ठीक है, फिर इस रेड का 2/1 वाला फंडा लगाएंगे और ये लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, जो ये लेंथ निकलेगी वही तो ये होगी, वही तो ये होगी, बाई सिमेट्री बराबर होगी, तो उनको इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, उन चार्ज के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, और फिर उसको क्रम लगा देंगे, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस उनका एल के टर्म में आ जाएगा, वो तीनों फोर्स को लिख देंगे। अब देखो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों मैं आपको बताता हूँ, देखो हमेशा याद रखना, जब आपकी सारी फोर्स ना वैक्यूम में रखी है, कहाँ रखी है वैक्यूम में, क्यू क्यू और डिस्टेंस का स्क्वायर, जो आपकी फोर्स होती है वो आपके सिर्फ चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। देखो पहले इस फोर्स को देखो, चार्ज क्या है क्यू और बड़ा क्यू, ठीक है, इसको देखो बड़ा क्यू छोटा क्यू, इसको देखो छोटा क्यू बड़ा क्यू, तीनों फोर्सेस के लिए चार्ज का पैटर्न सेम है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इसका डिस्टेंस देखो, सी ओ ए ओ बी ओ, तीनों डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब जब चार्जेस का जो पैटर्न है वो सेम है, और जब डिस्टेंस सेम है तो फोर्स सेम ही होगी, क्योंकि आगे वाली वैल्यू तो सबसे सेम रहने वाली है, सारे एक ही मीडियम में रखे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब सारी फोर्स को एफ ए बी सी से कहने से बढ़िया है इन सबको एक नाम दो, वो क्या दो, ए, मतलब क्या, सॉरी क्या दो, एफ, जैसे एफ ए एफ सी इक्वल्स टू एफ सी, सबके सब क्या बन गई, एफ। ठीक है, अब जो मैं आपको चार्ज जो ये सॉल्व करने की टेक्निक सिखा रहा हूँ उसको बिल्कुल आपने याद करो, लंदन में थी, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, क्या बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, क्या करो जो ये जहाँ तक गतिविधि हो रही है उसको उठा के बाहर ले जाओ, एक सीधी लाइन खींचो, ठीक है, वो पॉइंट बनाओ जहाँ आपको पढ़ना है, यहाँ से एक फोर्स इधर गई इसका नाम क्या है एफ, अभी सिखाया मैंने आपको, सबसे मुझे यहाँ से एक फोर्स गई इसका नाम भी क्या है एफ,
एक फुट बिल्कुल नीचे गई, उसका नाम भी क्या है? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो यार, नहीं है? ठीक है। अब जब मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूंगा, ऐसा ट्रायंगल बनना है यहाँ पर पूरा, ठीक है? अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा आधा इसका? 30। ये कितना है? 90। 90 30, 120, तो ये कितना आएगा? बोलो यार, बोलो कितना आएगा? ठीक है, 90 30 120, ये कितना आएगा? 60। ये भी कितना आएगा? 60। ठीक है, तो ये तो एंगल जो है वो यहाँ बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ बन रहे हैं इसके, ऐसे और आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है? 60। और ये वाला एंगल भी कितना बन रहा है? 60। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो मार्कर कहाँ गए? ये रहे, ठीक है। अब देखो ये 60 बन रहा, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कितना हुआ? 60। इसके वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल कितना हुआ? 60। ठीक है, अब देखो या तो आप 60 60 वाले एंगल का यूज कर लो, या आप 30 वालों का भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर ये 60 है तो ये वाले एंगल कितने हो गए? बोलो यार, ये वाले एंगल कितने हो गए? 30। आ गए 30, ठीक है। जैसे ये 30 आए, बहुत इजी तरीके से आ गए 30, ठीक है। जैसे ये 30 है, ये एंगल 60 समझ आया आपको? ये 60 यहाँ से आया, देखो ये पूरा 60 था, इसका आया 30, 90, एंगल सम प्रॉपर्टी 60। ये 60 आया वर्टिकली अपोजिट 60, ये 60 का वर्टिकली अपोजिट 60, 60 से ये पूरा 90 बन रहा है, 30 30। अब क्या करो, अब इसकी जरूरत खत्म, ठीक है, समझ आ गया? आपने 30 30 निकाल दिए। अब देखो आप सबने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप बताओ क्या इस f के दो कंपोनेंट नहीं होंगे? इधर आने वाला वेक्टर क्या होगा? f cos 30, ठीक है, इसका इधर क्या आएगा? f cos 30। बोलो यार, इसका जब इधर f cos 30 है तो उसका परपेंडिकुलर में क्या जाएगा? f sin 30। और इस वाले का भी तो परपेंडिकुलर क्या जाएगा? इस वाले का, एक साइन 30 इसका आया, एक साइन 30 इसका आएगा, एफ साइन 30 आ गया। और ये वेक्टर जो पूरा का पूरा है नीचे, इसका नाम क्या है? एफ। अब ध्यान से देखो, एफ कॉस 30, एफ कॉस 30, सफा खत्म। अब क्या बच गया? सिर्फ ये और ये। बोलो यार, ये बच गया, ये बच गया, ठीक है। अब देखो, अब जब बैलेंस करोगे तो ऊपर की जो फोर्स आ रही है, अपवर्ड फोर्स जो है, ध्यान से देखो, ठीक है, अपवर्ड की जो फोर्स आ रही है वो क्या आ रही है? एफ साइन 30 प्लस एफ साइन 30, और नीचे की फोर्स कितनी है? बोलो यार, ठीक है, ठीक है। तो नीचे की डाउनवर्ड फोर्स क्या रही? किसी भी एक फोर्स को पॉजिटिव मान लो, दूसरे फोर्स को नेगेटिव मान लो। मैंने अपवर्ड फोर्स दोनों पॉजिटिव मान ली, तो मुझे डाउनवर्ड फोर्स क्या माननी पड़ेगी? नेगेटिव माननी पड़ेगी, इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। चार्ज को हम टेस्ट करेंगे, जो भी फोर्स आएगी, एफ साइन 30, ये क्या जाएगा? एफ साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, प्लस एफ हाफ माइनस एफ इक्वल टू जीरो। सॉल्व करोगे एफ प्लस टू एफ बाई टू कितना जाएगा? एफ माइनस एफ, आंसर क्या आ गया? जीरो। इसका मतलब जो नेट फोर्स लग रही है चार्ज किस पे? क्यू पे, वो क्या है? जीरो। आ गया आंसर, ठीक है। आपको वैल्यू डिटरमिन करने पर के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। बोलो यार, क्या भाई हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? अरे ठीक है, समझ आ गया। अब आपकी एनसीईआरटी में एक सेम इसी की रिगार्डिंग जस्ट अगला एग्जाम्पल है, आप एक तो आप वो कीजिए, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर वो भी आपको ग्रुप में भेजना है, ये समझ आया ना? बता दूँ, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, क्लास में समझा दूंगा, वैसे उम्मीद तो मेरे समझ आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, जो आपकी मर्जी है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर। बस आप खुद सोचो, दो चार्ज कितने लेंगे? व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर? ये भी सोचिए, इससे पहले दो क्वेश्चन और बताए उनको भी सोचिए, ठीक है। कर लेते तो अच्छी बात है, इंटरनेट का सहारा मत देना, तब तक के लिए।